आज लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी आपको बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज मेरा तीसरा दिन है। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आपको, आज इसका थर्ड पार्ट, राजस्थान हिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। देखिए, कुंभलगढ़ के युद्ध तक के हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे देखिए शेरपुर की घटना। देखो शेरपुर में क्या घटना हुई। ठीक है, 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की जो बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान ससम्मान वापस भेज दिया। देखिए प्रताप, महाराणा प्रताप जी क्या करते हैं कि अमर जो मुगल सेनापति था, जो रहीम जी की बेगमों को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप उनको सम्मान सहित वापस कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिवेर के युद्ध की बात। ठीक है, देखिए शेरपुर की घटना आपने समझ ली कि 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति जो था वो रहीम जी की बेगमों को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जो है, वो उनको सम्मान से वापस भेज देते हैं। अब क्या होता है कि दिवेर युद्ध की बात करते हैं, ये होता है 1582 में। कब होता है फ्रेंड्स? 1582 में। इस युद्ध में प्रताप की विजय होती है, महाराणा प्रताप इसमें क्या होते हैं, विजयी होते हैं। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। इसमें अमर सिंह का क्या रोल होता है? अमर सिंह मुगल सेनापति सुल्तान खान को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इडर रियासत भी थी। देखो इसमें महाराणा प्रताप का साथ कौन कौन को देता है? डूंगरपुर देता है, बांसवाड़ा देता है और इडर रियासत भी देती है। ठीक है, आगे हम जब बात करें तो देखिए, तो जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, महाराणा प्रताप का युद्ध था, उस युद्ध को क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, 1585 में जगन्नाथ कछवाहे ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया। देखो कब अंतिम आक्रमण कब किया? 1585 में। किसने? जगन्नाथ कछवाहे ने। ठीक है, प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो कि अब कहाँ पर है वर्तमान में? उदयपुर में है। तो चावंड को अपनी नई राजधानी बना लिया। प्रताप ने चित्तौड़ पर मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ जीत लिया। देखिए अब महाराणा प्रताप ने क्या किया, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ क्या कर लिया, जीत लिया था। ठीक है, चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया। देखिए इन्होंने क्या करवाया, महाराणा प्रताप ने चामुंडा में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और एक महल का निर्माण करवाया। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ था। तो आप समझ रहे होंगे कि मेवाड़ की जो ये इम्पोर्टेंट है, देखिए जो चावंड से हुआ, क्या चित्रकला का प्रारंभ किस हुआ, चावंड से। मुख्य चित्रकार कौन थे? नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन थे। आगे हम बात करें दरबारी विद्वानों की। ठीक है, तो देखिए महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? पहले थे चक्रयानी मिश्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी राज्याभिषेक और मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ है ना, जो विश्ववल्लभ है इसमें बगीचों उद्यानों की जानकारी आपको मिलती है। हेमरत्न सरी, ठीक है, दूसरे थे हेमरत्नी, इन्होंने ये गौरा बादलरी चौपाई, जो गौरा बादलरी चौपाई है वो उन्होंने हेमरत्न सूरी सूरी ने लिखी थी। एक थे रामा साधु और दूसरे थे माला साधु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके दरबारी विद्वान रहे। आगे हम बात करें तो देखिए, आगे जब मैं बात करूं तो इस युद्ध के बारे में, भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप को आर्थिक सहायता की, कितने? 25 लाख रुपए तथा 12,000 अशर्फी दिए, जो सोने के सिक्के थे। ठीक है फ्रेंड, कितने? 25 लाख रुपए और 12,000 अशर्फियाँ। ठीक है, क्वेश्चन दिए तारांचंद नामक दो भाइयों ने। ठीक है, भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया है ना, भामाशाह ने क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने साधुलनाथ त्रिवेदी को मंडी की जागीर दे दी। देखो महाराणा प्रताप ने क्या किया, साधुलनाथ को मंडी की क्या दे दी, जागीर दे दी, उसको वहां का राजा बना दिया। ये कब हुआ था? 1588 में उदयपुर अभिलेख के अनुसार। ठीक है, इसकी जानकारी किसके अनुसार मिलती है? 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार। 19 जनवरी 1597 को चामंड प्रताप की मृत्यु हुई। ठीक है,
देखो 19 जनवरी और 1597 को चावड़ में क्या प्रताप की क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, बांडोली में प्रताप की 8 स्तंभों की छतरी है, और बांडोर में क्या है, बांडोली में 8 स्तंभों की छतरी है। अब बात करते हैं हल्दीघाटी की युद्ध की महत्व की, कि महत्व क्या रहा इसका। ठीक है, इसकी महत्व की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हल्दीघाटी युद्ध का महत्व, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। ठीक है, यह साम्राज्यवादी के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। दूसरा बात थी कि प्रताप कम और संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा और उससे अलग में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो बिना कम संसाधन के, ठीक है, फिर भी अकबर से क्या लड़ा था। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें इससे क्या हुआ, नैतिकता का क्या हुआ, संचार हुआ। ठीक है, और तीसरी बात थी इस युद्ध की महत्व की कि प्रताप ने मेवाड़ के साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावना को संचार किया, उनमें राष्ट्रवादी भावना जगा दी। ठीक है, हल्दीघाटी का आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत है। हल्दीघाटी का युद्ध जो है आज भी राष्ट्रवाद का क्या है, प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, इस राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध ने प्रेरणा स्रोत, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो इस युद्ध ने क्या किया, प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाथी की बात करें तो प्रताप का जो लूणा हाथी था राम प्रसाद, ठीक है, और इसको पीर प्रसाद भी कहा गया, और अकबर का जो हाथी था वो मर्दवाना मानसिंह, ठीक है, और राजमुक्ता। ठीक है, ये हाथी थे उनके। प्रताप के व्यक्तिगत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, प्रमुख विशेषता में आप देखो, प्रमुख विशेषताओं में देखिए आप इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपके लिए खुद से खोलने की कोशिश करना। देखिए प्रताप कैसे थे, राजनीतिक थे, युद्ध में अच्छे लड़ाकू थे, कैसे थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ आगे अमर सिंह की। महाराणा प्रताप के बाद हम अब आते हैं अमर सिंह पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अमर सिंह की बातें करते हैं, ये 14वें शासक थे मेवाड़ के। ठीक है, तो मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ में संधि हो गई। मुगल बादशाह जहांगीर तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई। ये संधि किसके किसके बीच हुई, जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच। युवराज कर्ण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने संधि की थी। देखिए ये संधि क्यों हुई, क्या कर रहा, युवराज जो कर्ण सिंह था उनके दबाव के कारण अमर सिंह ने यह संधि की थी। और शुभकर्ण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। इस संधि का प्रस्ताव कौन कौन लेके थे, शुभकर्ण और हरिदास। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी, किसने की थी, मुगलों की तरफ से खुर्रम ने। ठीक है, शर्तें क्या क्या रही इस संधि के, शर्तें क्या क्या रही, देखो शर्तें क्या क्या रही। तो देखिए पहली बात कर लेते, मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का जो राणा होगा वो मुगल दरबार में रहेगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा, केवल जो मेवाड़ का युवराज होगा वही क्या कहाँ जाएगा, मुगल दरबार में। दूसरी शर्त थी मेवाड़ मुगलों ने 1000 घुड़सवारों सैनिकों की सहायता देगा, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। दूसरी शर्त थी चित्तौड़ का किला मेवाड़ का वापस दिया जाएगा, चित्तौड़ का जो किला मेवाड़ को क्या दिया जाएगा वापस, लेकिन मेवाड़ उसका पूरे निर्माण कराएगा। ठीक है, देखो मेवाड़ किला वापस दिया जाएगा चित्तौड़ का, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका पूरा निर्माण कराया जाएगा। चौथी बात थी मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मेवाड़ साथ संधि तो हुई लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं किए जाएंगे। ठीक है, संधि का महत्व ले तो शर्तें थी, अब महत्व क्या रहा। ठीक है, महत्व था देखिए राणा सांगा और प्रताप के साथ में चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। ठीक है, इस संधि का ये महत्व था। ठीक है, संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई तथा कलात्मक गतिविधियां को बढ़ावा मिला। देखिए यहाँ पे इस संधि का बहुत बड़ा महत्व है कि इससे क्या शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, अब युद्ध का कम में कमी आई है और कलात्मक गतिविधियों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट, युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में गया था, जागीर ने उसे 5000 का मनसबदार बनाया, मनसबदार बना दिया। ठीक है, इसको 5000 का, और जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा किले में बनवाया लगवाई,
जहांगीर ने क्या किया, अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियाँ खड़ा गई आगरा में लगवाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये संधि का ही महत्व था। दूसरी बात थी कि अमर सिंह इस संधि से निराश था तथा नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। अमर सिंह क्या था, इस संधि से नाराज था, वो ख्याल रहने लगा, नौ चौकी पर जाकर रहने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए इसी स्थान पर जहां पर वो रह रहा था अमर सिंह, इसी स्थान पर क्या बनाएगी, राजसमंद झील बनाएगी। अब बात करते हैं करण सिंह की। ठीक है, उदयपुर में जग मंदिर महल जो कि पिछोला झील के पास है का निर्माण किसने करवाया, करण सिंह ने। खुर्रम विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों में रुका था। खुर्रम कहाँ पर रुका था, इन्हीं महलों में। ठीक है, उदयपुर में कर्ण विलास पा दिलखुश महल बनवाए। उदयपुर में कर्ण विलास और दिलखुश महल किसने बनवाए, करण सिंह ने। अब बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की। उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसे अपने बना मंदिर का कहा जाता है, इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर का को क्या कहा जाता है, सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कृष्ण भट्ट था, और उदयपुर में नौजुबाई का मंदिर बनवाया। कहाँ इसका मंदिर, नौजुबाई का। ठीक है, जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था, दानवीरता के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं राज सिंह की। ऐसा शासन काल 1552 से 1580 तक, सोलह सौ अस्सी तक। ठीक है, इसका शासन काल 1552 से 1580। तो इसने क्या क्या करवाया, देखिए चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। इस प्रकार शाहजहां ने खिलाफ आक्रमण नीति अपनाई। ठीक है, उत्तराधिकारी मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया राज सिंह ने कि मुगल अधिकारी जो थे औरंगजेब उनका समर्थन किया। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए और क्या कर दिए, मुगल क्षेत्र जीत लिए। ठीक है, औरंगजेब के जीजिया कर का विरोध किया, और इसने क्या किया राज सिंह ने कि जो औरंगजेब जो कर लगाता था जीजिया कर, उसका विरोध किया। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ की रक्षा की, और उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा कर ली। ठीक है, जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। ठीक है, जोधपुर के जो अजीत सिंह थे वो औरंगजेब के खिलाफ और राज सिंह ने क्या किया, उसको समर्थन दिया। इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन भी कहा जाता है, राठौर सिसोदिया गठबंधन भी कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। देखो औरंगजेब के खिलाफ क्या की, हिंदू राजकुमारी की उसने रक्षा की। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए उदाहरण, रूपनगर किशनगढ़ की राजकुमारी चाकमंदी से शादी करी थी। अब देखो इन्होंने क्या किया था कि रूपनगर के रूपनगढ़ की जो जो किशनगढ़ में है उनकी राजकुमारी चाकमंदी से विवाह कर लिया था। अब देखो हाड़ी रानी का शहर कवर, सलूमर के सामंत रतन सिंह चुनावत की रानी थी। किसकी रानी थी, सामंत रतन सिंह चुनावत की रानी। अपने पति के निशानी मांगने पर सिर काट कर दे दिया था। इन्होंने क्या किया था हाड़ी रानी ने कि जब युद्ध में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक निशानी मांगी। ठीक है, तो उन्होंने अपने का क्या कर दिया, सर काट के दे दिया। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी, ठीक है, मेघराज मुकुल ने कविता लिखी सेनानी, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धि कौन कौन सी रही, तो देखिए सांस्कृतिक उपलब्धि कौन कौन सी रही, तो देखिए फ्रेंड्स पहला मंदिर बनवाया श्रीनाथ मंदिर बनवाया सिहाड़ में, चूंकि नाथ द्वार में, और द्वारकाधीश मंदिर बनवाया कांकरौली में, अम्बा माता का मंदिर बनवाया उदयपुर में। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंद दास व दामोदर दास मथुरा में लाए थे। ठीक है, और इन्होंने कुछ झीलों का निर्माण भी करवाया, तो झील कौन कौन सी देखिए झील थी राजसमंद झील और जाना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी, ये सब कहाँ पे हैं, उदयपुर में। ठीक है, और ये राजसमंद झील राजसमंद में है। ठीक है, और दरबारी विद्वान कौन कौन थे, नहीं रणछोड़ भट्ट तेलंग, राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली, इन दोनों प्रताप के भाई शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इन्होंने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली लिखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए
अमर सिंह काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन है, ठीक है, किशोरीदास, ठीक है, राज प्रकाश बुक लिखी इन्होंने, और तीसरे थे सदाशिव भट्ट, इन्होंने राज रत्नाकर नामक बुक लिखी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए उपलब्धियों की, तो इन क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही। हाइड्रोलिक रूलर या पेयजल व्यवस्था के कारण, ठीक है, और इनको विजय कट कातु सेना जीतने के कारण विजय कट कातु कहा गया और हाइड्रोलिक रूलर कहा गया। हाइड्रोलिक रूलर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने पेयजल की व्यवस्था की थी, और विजय कट कातु इसलिए कहा गया कि सेना जीतने के कारण कहा गया था। राज प्रशस्ति कौन कौन सी थी, 25 पत्थरों पर लिखी गई इनकी राज प्रशस्ति। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है भारत का, और अकाल राहत कारों की जानकारी देता है, ठीक है। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक राज्यों के सम्मान नाम मिलते हैं, और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज प्रशस्ति की, कि ये कितने वर्डों में, 50 वर्डों में, ठीक है, लिखनी है आपको। और अब बात करता हूँ मैं अमर सिंह की, अमर सिंह द्वितीय की। देखो, देवरी समझौता 1708 में, ठीक है, किस किस के बीच अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ के शासक थे, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक और सवाई जय सिंह आमेर के, ठीक है, इनके बीच में क्या हुई, देवरी समझौता हुआ कब, 1708 में, ठीक है। ये समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था, किसके खिलाफ था ये, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। समझौते की शर्तें क्या 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 थी, तो देखिए समझौते की शर्तें क्या थी, शर्तें थी अजीत सिंह को मारवाड़ तथा सवाई जय सिंह को आमेर का राज बनाने में सहायता करेगा, राजा बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। दूसरी शर्त थी अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्रकंवर की शादी सवाई जय सिंह से की तथा जाएगी और उसके बेटे आमिर का अगला राजा बनाया जाएगा, ये इसकी प्रमुख शर्तें थी, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो देखिए संग्राम सिंह द्वितीय की, तो देखिए संग्राम सिंह द्वितीय अमर सिंह में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, कहाँ पर, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का, और दूसरा सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति का लेखक और रूप बट ने करवाया, ठीक है। अब बात करते हैं रतन सिंह द्वितीय की, ठीक है, तो रतन सिंह द्वितीय देखिए भीलवाड़ा में क्या 17 जुलाई 1734 में हुड़ा सम्मेलन होता है, ये मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था, मराठों के खिलाफ राजाओं का सम्मेलन था। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद राजपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था कि एक सम्मेलन किया गया जिसमें मराठों के खिलाफ वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई थी, ठीक है। दूसरा, आपसी मतभेदों के कारण सम्मेलन असफल रहा, आपसी मतभेद इसलिए सम्मेलन किस तरह सकता। खानवा युद्ध के बाद राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की थी खानवा युद्ध के बाद, ठीक है। भाग लेने वाले कौन कौन थे इसमें, देखिए एक तो था जगत सिंह, कहाँ के, जगत जगत सिंह द्वितीय ये अध्यक्ष थे, सवाई जय सिंह आमिर के, और उभय सिंह जोधपुर के, भक्त सिंह नागौर के, दलित सिंह बूंदी के, और दुर्जन साल कोटा के, और जोरावर सिंह बीकानेर के, गोपाल पाल करौली के, और राज सिंह किशनगढ़ के, ठीक है। आगे बात करें उदयपुर में जगत निवास महल, उदयपुर में जगत निवास महल जो कि पिछौला का निर्माण करवाया, ठीक है, पिछौला महल का निर्माण करवाया, कहाँ पे, जगत सिंह निवास महल बनवाया, कहाँ पे, पिछौला में, कि किसने बनवाया, नेकराम, नेकराम को इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था जगत बिलास, इसके बारे में इसका वर्णन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं भीम सिंह की, तो देखिए भीम सिंह आमेर मेवाड़ और मारवाड़, देखो आमेर के शासक कौन थे, जगत सिंह, ठीक है, और उन्होंने और मेवाड़ के शासक भीम सिंह, उनकी बेटी थी कृष्ण कुमारी, तो उन्होंने जगह आमेर के राजकुमार कौन थे, रगत सिंह द्वितीय, तो उनसे क्या कर दी, सगाई कर दी। अब ये सगाई फिर देखो मारवाड़ के शासक भीम सिंह से कर फिर दोबारा से कर दी, और भाई मान सिंह से, ठीक है, मृत्यु के बाद, ठीक ये होता है। तो गिंगोरी परवसर का युद्ध 1807 में जगत सिंह और मानसिंह के बीच होता था, ठीक है, कौन सा युद्ध, गिंगोली,
या परवसर का युद्ध, ठीक है। अजीत सिंह चूड़ावत का व आमिर खां की पिंडारी टोंक के कहने पर कृष्ण कुमारी को जहर दिया गया। किसको जहर दे दिया गया? कृष्ण कुमारी को, ठीक है। अजीत सिंह चूड़ावत व आमिर खां की पिंडारी टोंक के कहने पर, जो टोंक के राजा थे उनके कहने पर क्या किया, कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया। कृष्ण कुमारी का विवाद 15 वर्षों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं भीम सिंह क्या करा। 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। ये सबसे पहले जो शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज में ये पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम अब आके अन्य टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, इसी हिस्ट्री का, ठीक है, और मेवाड़ के शासक के बारे में, ठीक है, मारवाड़ के शासक के बारे में आगे और हम टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है।